नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर थ्री एजुकेशन में। और जहां आपकी मैथ्स प्रैक्टिस सीट के 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप पार्ट फाइव है। और यहां देखिए, परीक्षा ऐप का लिखा हुआ है। परीक्षा ऐप में आपको शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे। आपको ये ऐप डाउनलोड करके उसमें आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें कूपन लगाना है आपको ले ये LAYFGOV25, जिससे आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। तो ये आप जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये देखिए, ये रहा अपना आज का पार्ट फाइव। यानी इससे पहले आपके 4 पार्ट हो चुके हैं। आपकी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चारों वीडियो देख सकते हैं, जिसने भी नहीं देखे हो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखिए लिखा है, 3 संख्याओं का योग 252 है। यानी तीनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है? 252 आता है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी यानी कि 3 गुना, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3, 2/3 यानी 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ी आसानी से अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका रेशो बनाना है। तो रेशो बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए ABC। 3 संख्याएं हैं अपने पास, तीनों को जोड़ने पर आता है आपका 252। ये यहाँ पे लिख लीजिए। फिर अपन रेशो बनाएंगे। रेशो कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, यदि पहली संख्या, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। पहली संख्या जो है ये, यानी कि ए जो है, दूसरी संख्या से 3 गुनी, यानी कि बी से 3 गुनी है। बी से 3 गुनी यानी बी को अगर मैं 1 लिखता हूँ, तो ए कितनी हो जाती है मेरी? 3 गुना, यानी कि 3 हो जाती है। और फिर बोला है तीसरी संख्या, तीसरी यानी कि सी, सी जो है पहली की 2/3 है। पहली कौन है? 3 है, इसकी 2/3। अब 3 का 2/3 आप निकालिए, 2/3 निकाला, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो ये आ गया 3x, ये आ गया 1x, और ये आ गया कितना आपका? 2x। और सबको अगर मिलाते हैं तो कितना आता है आपका? 252 आता है। देखिए 3 × 1 = 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6। यानी कि टोटल कितना हुआ आपका? 6x। 6x बराबर कितना हुआ आपका? 252 हुआ। यानी कि 252 के बराबर कितना आ गया? 6x। तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो 6 × 2 में है, तो आप 6 को कहाँ ले जाइए? 252 के बटे में। ये देखिए 252 के बटे में लाया मैं 6, 6 से काटा, 6 × 4 = 24, और 1 बचा, 6 × 2 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 42 आ गई। और 42 यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी? 1x। यानी कि 42 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो b आपने पूछा ना दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या b है, तो उस हिसाब से अपना आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी। इस हिसाब से 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि रेशियो बनाना है और उसके बराबर में लिखना है, 252 के बराबर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपके उसने लिखा है ना, आपके सिलेबस में आंकड़ों के अनुसार आपकी समझ चेक की जाएगी कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। ये सारी इन सारी चीज़ों से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? देखिए ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिए, कितना आप कितना कर पा रहे हैं इसको। फिर अगर नहीं होता है तो अपन कर ही रहे हैं इसको। ये देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे छोटी यूनिट देखिए आप, सबसे छोटी यूनिट देखना है सेकंड। उसे बोला ना कितने सेकंड होंगे, सबसे पहले सेकंड लिखिए आप। देखिए 53 सेकंड अलग से दिए हैं, तो पहले 53 को यहाँ पे लिख लीजिए। फिर देखते हैं मिनट। आप सबको पता है कि 1 मिनट = 60 सेकंड होता है। कितना होता है? 60 सेकंड। तो 20 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो 20 × क्या कर लीजिए आप? 60 कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना, 60 क्यों किया इंटू में? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 20 × 60 किया, तो 6 × 2 = 12, तो 1200 सेकंड ये हो गए, है ना, 1200 सेकंड ये हो गए। फिर उसने बोला कि 2 घंटे। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 60 और हो जाएंगे, 120 मिनट हो गए। और फिर इसमें इंटू का क्या कर दीजिए, 120 मिनट में 60 का इंटू कर दीजिए, तो ये सेकंड में आ जाएगा आपका। 120 × 60 करते हैं आप, तो 12 छंग कितना हो जाएगा? 72, 7200 हो जाएगा। ये 7200, 1200 और 53, है ना, 53 का 53 लिख दीजिए आप,
फिर 2 और 2 4 और 7 और 1 8, यानी कि 8453 सेकंड होंगे किसमें, 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में। कुल कितने सेकंड हो जाएंगे, 8453। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, योगफल का न्यूनतम के योगफल, यहाँ पे देखिए ये लगा है, एक मिनट, क्या बोला उसने, दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, उन दोनों पूर्णांकों के योगफल का न्यूनतम मान इनमें से क्या होगा। मतलब दो संख्याएं कोई सी जिनको गुणा करने पे कितना आता है, 24 आता है, उनके योगफल उन दोनों को जोड़ने पे सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम मान कौन सा है इनमें से। देखिए सबसे स्टार्ट करते हैं अपन, स्टार्टिंग करते हैं कि दो संख्या कौन कौन सकती है। सबसे पहले मैंने एक ली, उसका अगर 24 में इंटू किया तो 24 आएगा, है ना, पहली संख्या है तो ये हो गई। तो इनका योगफल करते हैं, एक और 24 का तो कितना आ रहा है, मतलब गुणा करने पे तो 24 आ रहा है लेकिन योगफल करने पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे। देखिए क्या करा मैंने, दो पूर्णांक लिए यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल गुणा करने पे 24 आता है लेकिन उन दोनों का योगफल न्यूनतम मान निकालना है। चलिए समझ में आ रहा है, ये 25 क्यों लिया मैंने, क्योंकि इन दोनों का ये यहाँ पे क्या है, योगफल है, ये योगफल है इधर, है ना, ठीक है। अब एक की जगह मैं लेता हूँ दो, तो दो में काई का इंटू करूँगी 24 आ जाए, तो दो में 12 का इंटू करना पड़ेगा तो 24 आएगा, 2 12 2 24 आता है, और 12 और 2 को अगर योगफल करता हूँ तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे एक दो की जगह तीन लेता हूँ, तो तीन में काई का इंटू करूँ के 24 आ जाए, तो तीन में काई का करना पड़ेगा, 8 का करना पड़ेगा, 3 और 8 24, और 8 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है मेरा, 11 आ रहा है। अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी आगे चलते हैं अपन। फिर तीन की जगह मैंने लिया 4, कितना लिया, 4। अब 4 में काई का इंटू करूँ कि मेरा 24 आ जाए, तो 4 छंग 24 होता है, कितना होता है, 4 छंग 24, तो 6 और 4 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 10। अब 5 में तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि 5 में किसी का भी इंटू करूँगा 24 आएगा ही नहीं, 6 में करूँगा तो वापस 4 का ही करना पड़ेगा, यानी कि न्यूनतम मान मेरा क्या निकल रहा है, उन दो संख्याओं का जिनको गुणा करने पर 24 आ रहा है तो वो आ रहा है 10। क्या आ रहा है, देखिए 25 बड़ा है, 14 बड़ा है, 11 बड़ा है, लेकिन 10 क्या है, सबसे छोटा है ना, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे 3 और 8 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है ना, तो सबसे छोटा मान क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। तो न्यूनतम मान उन दो पूर्णांकों को क्या है जिनका गुणनफल 24 है, तो वो न्यूनतम मान क्या है आपका, 10 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आते हैं, तो मैक्सिमम चांस ये रहता है कि अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई भी हो उससे पहली बार में ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन एक से एक है ना, सब क्वेश्चन एक नंबर लिए मैंने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। जब एन को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, यानी कि एन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक संख्या है एन, कोई भी एक संख्या है, अगर उसमें 6 से भाग देते हैं तो बचता कितना है, शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। अब वो बोल रहा है कि जब 2n को 6 से विभाजित किया, यानी उस संख्या को दुगना करके 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप बैठ के ट्राई कर सकते हैं, है ना, फिर नहीं आए तो अपन कर ही लेंगे। लेकिन ट्राई करने से क्या होगा कि आप जब उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आप वो क्वेश्चन आपके दिमाग पर रह जाता है, फिर अगर मैं जब समझाऊंगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप चाहें तो घर बैठ कर ट्राई कर सकते हैं। देखिए अब वो संख्या लेना है मेरे को जिसको 6 से विभाजित करने पर 4 आए, तो मैं मान लो 6 से विभाजित करने पे, मान लो 6 में 6 का भाग देता हूँ तो कुछ नहीं बचता है, अगर उसमें 4 जोड़ देता हूँ यानी कि मैंने 6 प्लस 4 वो संख्या ले ली, कितनी ले ली, 10 ले ली, ठीक है साहब, 10 संख्या, वो एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 10 ले ली, तो 6 से भाग लगाने पर 4 बच रहा है, 6 कम 6 और कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो गई मेरी, एन बराबर क्या ले लिया मैंने, एन बराबर क्या ले लिया, 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10। अब वो बोल रहा है कि 2n लेना है, 2n मतलब 2 × 10, 2n लेना है मतलब 2 × 10 लेना है, यानी कि कितनी संख्या, वो क्या हो गई, 20 हो गई। अब 20 को 6 से भाग देना है तो 20 को भाग दे दीजिए आप 6 से, तो कितना शेषफल बचेगा, तो वेरी सिंपल, 6 × 2 = 18 और
कितना बच रहा है, दो बच रहा है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए में आपको दिख रहा है ना, दो। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और भी एक नंबर है, सारा आपका उससे रिलेटेड है, जो आपका सिलेबस है ना संविदा का, उस संविदा के सिलेबस जो जो चीज़ें लिखी हुई है उसके एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मान लो एक टॉपिक अच्छा है जिसमें पाँच सात क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे पाँच सात क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। पुराने पेपर के क्वेश्चन हैं इसमें, है ना, सारे व्यवस्थित क्वेश्चन हैं, आप बस करिए इनको। देखिए, एम के लिखा है, एम के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए भाजक और ये थोड़ी चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी, पर ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भाजक यानी जिससे भाग लगा रहे हैं, भाजक। अब यहाँ पे आता है आपका भाज्य, क्या आता है भाज्य, यानी कि जिसमें भाग लगा रहे हैं अपन, है ना। और यहाँ पे अपन करते थे ना बचपन में, जैसे दो का भाग लगा रहे हैं अपन आठ में, तो यहाँ पे कितना आता था, चार। तो ये जो चीज़ आती थी यहाँ पे, ये होती है भागफल। क्या आती है? भागफल। और जब भाग लगाते, मान लो यहाँ आठ की जगह नौ हो, तो दो चौक आठ और नौ में से आठ गया तो एक बचता है, तो यहाँ पे जो उसमें से भाग घटाने पे जो बच रहा है वो होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। समझ में आ रही बात है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बात आ रही है आपकी भाजक 12 की, किसकी, यानी कि यहाँ पे भाग किस चीज़ से लगाया जा रहा है, 12 से लगाया जा रहा है, और किस में लगाया जा रहा है, 34m में। यानी कि m कोई संख्या है, अपने को पता नहीं है वो क्या हो सकती है, तो अपन भाग लगा के देखते हैं। ये लिखा मैंने 12 और यहाँ पे लिखा 34m और यहाँ पे भागफल। देखो 12 से भाग लगाओ, 12 दून 24, 12 36, नहीं 36 तो जाएगा नहीं क्योंकि 34 से बड़ा है, तो मैंने भाग लगाया 12 दूना 24, लगाया 24, लिखा 24, चार में से चार गया 0, तीन में से दो गया 1। अब यहाँ पे है m, m उतारा मैंने ऊपर से, ये यहाँ से यहाँ उतारा, m उतारा, तो 10m। अब m की वैल्यू क्या रखूँ, मान लो मैं रखता हूँ 2, विभाज्य बोला ना कि पूरा पूरा भाग चल जाएगा, अब 2 रखता हूँ तो 102 आता है क्या 12 के पहाड़े में, नहीं आता है। 0 रखूँ 100 आता है क्या, नहीं आता है ना, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर रखा मैंने 8 इस एम की जगह, ये देखो एम मिटाया मैंने, और एम की जगह लिखता हूँ मैं 8 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 8। तो 12 का बारह बोलेंगे हम 9 बार, 12 नमे 108, 12 नमे 108, तो 108 में पूरा पूरा भाग आपका चला जाता है, यानी कि एम की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एम की वैल्यू हो गई 8। तो एम की जगह क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। बड़ा आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, एक नंबर जानदार, आप अगर इसको कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा, है ना, इसको करके देखिए अगर आपसे बन रहा है तो, वरना अपन तो करेंगे ही। देखिए क्वेश्चन लिखा है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, यानी कि 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। देखिए बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, अगर अगर ये 7 से नहीं वाली बात नहीं होती तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता, इसका आंसर 66 आ जाता, लेकिन यहाँ पे उसने एक ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट क्या डाला कि 7 से नहीं होगी। चलिए पहले सिंपल तौर पे देखते हैं, 1 से 200 तक नहीं जाते हैं, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 1 से लगाकर 30 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग जाती है, 1 से लगाकर 30 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग चला जाता है उनमें। तो मैंने लिखा 30 और 3 का भाग लगाया तो कितना आ रहा है मेरा, 10, यानी कि 3 के पहाड़े में अपन लिखते हैं ना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे करके 30 तक जाते हैं, तो कितनी संख्याएं हो जाती है, वो 10 संख्याएं हो जाती है। तो मेरे को पता चल रहा है कि जो पूरी संख्या है यानी कि 30 है, उसमें अगर मैं 3 से भाग लगाऊं तो जो आंसर आ रहा है मेरा, यानी कि जो भागफल आ रहा है, उतनी संख्याएं हैं जिनमें भाग चला जाएगा 3 का। तो वैसे का वैसे मैंने क्या किया, 200 उठाया, इस 200 में भाग लगाया 3 का, यानी कि 200 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो देखा मैंने 3 छंग 18, ये 18, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर ऊपर से उतारा 0, ये यहाँ से, फिर 3 छंग 18, यानी कि 66 ऐसी संख्याएं हैं, 66 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 3 से विभाजित है 200 तक में, 1 से 200 तक की लाइन में।
अब उसने बोला है कि लेकिन 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, लेकिन 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होगी? तो 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? जो 21 से विभाजित हो। समझ रहे हैं आप? 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो कौन सी है? क्योंकि 7 से विभाजित हो लेकिन 3 से भी हो तो वो काटनी पड़ेगी आपकी। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आ रहा है आपका? 21 आ रहा है। मतलब 21 से डिवाइड करने पर जो संख्या भाग जाएगी वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए 66 तो अपना आ गया, लिख लिया मैंने। 66 ऐसी संख्या है जो 300 विभाजित करने पर 200 के बीच में आती है। लेकिन अब इन 200 में 21 से भाग जाने वाली संख्याएं अपने को माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो 7 से विभाजित हो रही है, और 3 और 7 से जो होगी वो 21 से भी होगी, इसलिए मैं 21 का कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ। तो 21 का आपको पता है कि 21 का अगर मैं 10 बार करता हूँ गुणा तो 210 आ जाता है। कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। यानी कि 10, 210 के पास में है ये 200। यानी कि मैं 9 का भाग लगाता हूँ, 21 में 9 का भाग लगाया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 9 संख्याएं ऐसी है जो 3 से और 7 से दोनों से आपकी भाग चली जाएगी। तो 9 संख्याएं क्या हो गई? 7 से विभाजित हो गई। तो 66 में से अगर 9 संख्याएं गई तो 16 में से 9 गया तो 7, इधर बचा 5। यानी कि 57 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच जो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन है आपके, जो आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, जो बनेगा ना, अगर वो नंबर सिस्टम में पूछेगा तो इन क्वेश्चन से ज़्यादा टफ वो नहीं पूछेगा, इनसे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लेवल है आपका, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। लिखा है 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, देखिए तो कुछ नहीं करना है आपको, 100 से भाग लगा दीजिए। 100 से भाग लगाने कहा ना उसने, लगाइए 6 का भाग लगाइए। लिखा 6 एकम 6, ठीक है, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, ऊपर से उतारा मैंने 0। अब भाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे 6 के बाद 40 आता है क्या? 6 6 36 होता है, और 6 7 कितना होता है? 6 6 कितना होता है? 36 होता है, लेकिन 36 तो छोटा है इससे। अब 6 7 कितना होता है? 42 होता है। यानी कि 40 में अगर मैं कितना जोड़ दूँ? 2 जोड़ दूँ तो उससे क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए, आप ये लिखा है यहाँ पे 2 है ना, तो अगर इस 40 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो 42 आ जाता है, और 6 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 7 बार, 6 7 42, तो पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, है ना? ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा बन जाता, कैसे बन जाता, और बोल रहा है कि 100 में ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी जोड़ी जाए जिससे कि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होता है, अगर जोड़ी जाए की जगह लिखा होता कि घटाई जाए, क्या लिखा होता? घटाई जाए। तो यहाँ पे जो अपनों ने किया था ना, 6 में भाग लगाया था, है ना, 100 का, 100 में भाग लगाया था 6 का, 6 कम 6, फिर 6 लिखा था, फिर 4 उतारा था, फिर 40 किया था, फिर 6 7 42 जो अपनों ने 2 जोड़ा था उसकी जगह क्या करना पड़ता? 6 6 36 जा रहा है ना, 6 6 36 जा रहा है ना, तो कितना? 4 शेष पर बच रहा है। तो 4 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो घटाए जाने पर क्या करना है आपको? पीछे वाला देखना है ना। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए व्यवहारिक दैनिक जीवन जो लिखा हुआ है ना आपका सिलेबस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में आदमी खरीदारी करता ही है, तो लाभ हानि के क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। देखिए रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन बराबर होता है 12। कितना होता है? 12। 1 दर्जन में कितने अंडे हो गए? 12। 2.5 दर्जन का अर्थ होता है 2 सही 1/2, यानी कि 2.5, 2 दर्जन और आधा दर्जन और। तो 2 दर्जन कितने हो गए? 12 दूना 24। 2 दर्जन में कितने हो गए? 12 दूना 24, और आधा दर्जन होता है 12 का आधा, यानी कि 6 अंडे और। तो कितने अंडे खरीदे टोटल उसने? 30 अंडे खरीदे। 2.5 दर्जन में अंडे कितने हो गए आपके? 30 अंडे। ठीक है, 20 रुपये में 30 अंडे, लिख लीजिए टोटल। इधर लिख लिया मैंने कि हाँ 30 अंडे हैं भैया, है ना टोटल। अब उसने बोला कि उसमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं, 6 अंडे सड़े हुए हैं,
यानी कि व्यवस्थित अंडे कितने हैं, तो 6 माइनस कर दो इसमें से, 23 में से 6 गया तो कितना बचा, 24 अंडे बचे। फिर उसने बोला कि शेष अंडे कौन से, जो 6 सड़े हुए थे आपने माइनस किए ना, अब शेष कितने अंडे बचे आपके पास, 24 अंडे बचे। उन अंडों को 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिया, 22 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन के उसने कितने लिए, 22, और यहाँ पे 24 दर्जन नहीं है आपके, 24 क्या है, 24 अंडे हैं, मतलब दर्जन कितने हुए आपके, 12 से भाग लगाए तो 2 दर्जन हुए, और 2 दर्जन उसने बोला कि एक दर्जन के 22 के हिसाब से बेचे, तो 2 दर्जन के कितने रुपए आ गए उसके पास, 22 दूना 44, कितने रुपए आ गए, 22 दूना 44 है ना, तो 44 क्या आ गया आपका, SP आ गया, यानी कि 44 रुपये में तो बेचा, ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो पहले आपने को CP निकालना पड़ेगा। उसने 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन खरीदे थे, कितने, 2.5, तो 20 के हिसाब से अगर 2.5 खरीदेगी तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके, 50 रुपए हो जाएंगे, मतलब एक दर्जन के 20, तो 2 दर्जन के 40 और आधे दर्जन के 10, तो 20 और 40 और 10 कितने हो गए, 50 रुपए, 50 रुपए तो उसका खरीदा हुआ मूल्य हो गया, और 44 रुपए में उसने बेच दिया, तो कितने रुपए की हानि हुई इसको, 50 में लाई थी, जो 44 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, 6 की हानि हुई, और ये जो 6 हानि हुई उसका हानि प्रतिशत अगर निकालना है, हानि प्रतिशत क्या होता है आपका, हानि बटे क्रय मूल्य यानी कि CP और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो हानि हो गई 6 की, और आपका क्रय मूल्य कितना है, 50, और आप लिख दीजिए यहाँ पे कितना लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, उससे आपका परसेंट निकल के आ जाएगा, तो 6 से कटेगा नहीं, एक काम करो 50 से काटो ना डायरेक्ट, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12%, और उसने बोला कि 50 में लाई और 44 में बेची तो हानि हुई, तो 12% की क्या हो जाएगी, हानि। तो जल्दबाजी ना करके आप 12% लाभ नहीं लगा देना है ना, उस जगह क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप प्रेशर में क्या होता है कि आपसे गलत आंसर लग जाता है जानबूझ के, है ना, तो आप क्या करना, उसको थोड़ा सा रुक के देख के फिर लगाना, चाहे आपको पहला ऑप्शन सही लगे पर आप चारों ऑप्शन ज़रूर देखना, क्योंकि होता क्या है कि बिल्कुल पास पास में ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, तो 12% हानि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप कर लीजिए इसको। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य यानी इनमें से 4 संख्याएं तो अभाज्य है और एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनका केवल एक और स्वयं का भाग उनमें जाए, बाकी किसी भी संख्या का उनमें भाग नहीं जाए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और अब लोगों के मन में आ रहा है 9, लेकिन 9 आते ही बोल देना 9 ये नहीं है, 11, फिर 13, फिर 15 आ रहा होगा, लेकिन 15 नहीं है क्योंकि 15 विभाजित है 3 से 5 से, है ना, तो वो नहीं आएगी। फिर 17 है ना, फिर 19, फिर 21 आ रहा होगा, लेकिन 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 आपकी विषम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य नहीं है। इस प्रकार से इन चारों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, तो पता करिए आप। देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको, 89 आपकी अभाज्य संख्या है, 79 आपकी अभाज्य संख्या है, 97 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 87 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। कि भैया ये आपको कैसे पता चला, मैंने करा 8 और 7 का भाग, टोटल दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 15 आता है, और जिन संख्याओं का योग 3 का गुणनफल हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, जिन संख्याओं का, ये मान लो मैंने 6, 7, 3, 4, 5, 4, ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, ये अगर मेरे को देखना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6, 7 कितना हुआ, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 20, 5, 25, 25, 4, 29, और अगर इसमें ये भी होता 5 और होता तो 29, 5 कितना हो जाता, 33 हो जाता, 34 हो जाता, है ना। तो अगर ये संख्या होती, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रही है या 3 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो ये 3 से विभाजिता का नियम है। तो यहाँ पे 87 क्या हो गया आपका, अभाज्य संख्या नहीं है, 87 में भाग जा रहा है 3 का, 3 से जाएंगे, 3 दून 6, 2 बचा 3 नम 27, तो 29 बार जा रहा है 3 का भाग, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कि कोई सी भी संख्या दी है आपको, 8, 7, 6, 4, 3, 2, है ना, तो इस संख्या को 4 से विभाजित है कि नहीं, ये अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल पीछे की 2 संख्या उठाइए आप, कितनी संख्या है, 2, इकाई और दहाई की संख्या उठाइए और ये देखिए 32,
अब ये 4 से डिवाइड है क्या, 4 8 32? हाँ है। अगर ये दो संख्याएं 4 से विभाजित है तो आगे कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो वो पूरी इकाई से होगी विभाजित, 4 से होगी, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये आपके उसमें सिलेबस में लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। देखिए क्या लिखा है, एक संख्या एक्स, एक संख्या कौन सी है एक्स, वह संख्या 7 से विभाज्य है, जो एक संख्या एक्स है उसका भाग 7 में पूरा पूरा चला जाता है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, एक्स का न्यूनतम मान कितना है? यानी कि एक्स का न्यूनतम मान कितना है, यानी इन चारों संख्याओं में वो संख्या है जो 7 से पूरी पूरी विभाजित है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इन चारों में वो संख्या चेक कर सकता हूँ मैं कि वो संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित। 148 है क्या 7 से विभाजित? 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो 1 बच रहा है, माने कि 48 नहीं है। 149 है क्या? तो 7 दून 14, 7 एकम 7, 2 बच रहा है, यानी कि 49 भी नहीं है। 150 है क्या? 7 दून 14 और 1 बच रहा है, 7 एकम 7, नहीं ये भी नहीं है। 147 ऐसी संख्या है, 147 ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। 7 दूनी 14 करा, 14 से 14 कट गया, फिर ऊपर से 7 उतारा, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया। तो 147 वो संख्या है जो 7 से पूरी विभाजित है और जिसको 8, 12 और 16 से भाग देने पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, करके भी देख सकते हैं। अब आपके पास आ गया ना 147 आंसर आ गया, तो 147 को 8 से भाग लगा के देखेंगे, 8 एकम 8, 6 बचा, है ना, 8 7 56, 8 8 64, है ना, 8 8 64, तो 67 था, 64 बच रहा है, मतलब अगर 3 देखा तो 3 बच रहा है आपका शेषफल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, 147 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा और जिनको आता है वो कर भी लेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, इसकी सिंपल ट्रिक है 31 + 75 करके बटे कितना करना है, 2 करना है। अब ये क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला है कि 31 से जितनी बड़ी है, मान लो ये संख्या है, उतनी ही ये 75 से छोटी है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो बराबर है, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच की संख्या है वो संख्या क्या है, बिल्कुल बीच की है। तो उसमें कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो निकाला अपन, इन दोनों को जोड़ा, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 बटे कितना आ रहा है। आप डायरेक्ट 106 मत लगा देना, बहुत सी बार होता क्या है कि जल्दबाजी में अपनों ने 106 जैसे देखा, एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि आदमी क्या है कि थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना, ज़्यादा उसको दिमाग में रखता है कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो वो आदमी गलती कर बैठता है। और जो फ्री माइंड से देता है कि हाँ अगर हो जाए तो अच्छा, और नहीं भी होगा तो भी अपना कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, तो उस मामले में आदमी का दिमाग क्या रहता है, स्टेबल रहता है, तो वो परेशान नहीं होता है। देखिए 2 से काटा कितना, 2 5 10, 2 3 6, तो 53 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब भैया ये कैसे आया, मान लो मैं बोल रहा हूँ कोई सी संख्या है जो एक से, मान लो मैंने लिखा कि जो संख्या एक से उतनी ही बड़ी है जितनी 5 से छोटी है ना, समझ रहे हो बात, एक से उतनी बड़ी है जो 5 से छोटी है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, देखा, तो वो संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है। कैसे आ रही है, एक से कितनी बड़ी है ये, 2 बड़ी है, और 5 से कितनी छोटी है ये, 2 छोटी है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करा, मैंने 1 + 5 करा बटे क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 1 और 5 कितना होता है, 6, और 6 के बटे 2 किया तो कितना आंसर आ रहा है मेरा, 3। वैसे के वैसे ही मैंने 1 की जगह आपका क्या लिखा, आपका 31 लिखा, और 5 की जगह क्या लिखा आपका, 75 लिखा, और इन दोनों को जैसे इन दोनों को प्लस किया वैसे ही इन दोनों को प्लस किया और बटे 2 किया, तो आपकी बीच की संख्या आ जाएगी। तो ऐसे ही 53 क्या हो गई, बीच की संख्या हो गई। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, बिल्कुल क्लियर कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइक करने से क्या है कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा, और बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है, पर आपके लाइक करने से क्या है कि अगले दिन जब क्वेश्चन निकालो तो क्या, हाँ यार लोग लाइक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वैसे निकालो जो उनके एग्जाम में व्यवस्थित बैठ जाए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है ना है अच्छा है, मतलब समझ रहे हो, भिन्न 4/7 का, है ना, देखो आप करके देखो इसको, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसमें जोड़ा जाए कि
एक सही 1/14, इसको ऐसे लिखना था, मैं टाइप नहीं कर पाया इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा उनको वहाँ पे बता दूंगा, जब मैं करवाऊंगा ना तब बता दूंगा। 1 सही 1/14, वो आपकी मिश्र भिन्न होती है ना, ये एक होती है सरल भिन्न, सरल भिन्न कौन सी, ये वाली, और ये होती है मिश्र भिन्न, 1 सही 1/14, इसको बोलते हैं आपका मिश्र भिन्न। तो वो बोल रहा है कि 4/7 में क्या जोड़ा जाए कि 1 से 1/14 हो जाए, तो आप जोड़ के बताओ मेरे को, है ना, करके देखो क्या आ रहा है आंसर। चलिए अपन ही कर लेते हैं, 4/7 है। अब फिर देखिए 1 सही 1/14 को अपन सोल्व कैसे करते हैं, 14 एकम 14, यहाँ पे इंटू होता है 14 एकम 14, और फिर 14 में एक प्लस कर देते हैं, ये क्या करते हैं अपन, प्लस करते हैं, तो कितना आ रहा है आपका 15/14। तो 4/7 और 15/14 इन दोनों में इसमें क्या जोड़ा जाए कि 15/14 हो जाए, कितना हो जाए 15/14। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये प्लस में है तो उधर ले जाना है, माइनस में इधर ले जाना है 15/14 के उधर, तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 15/14 माइनस 4/7, और 14 और 7 का एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या है जो इसमें अगर भाग जा रहा है दोनों का, तो बड़ी संख्या ही आपका एलसीएम है, 14 से 14 एकम 14, फिर 15 का 15, मतलब यहाँ से यहाँ भाग लगाते हैं और वापस यहाँ पे क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 14 एकम 14 और 1 का 15 में किया तो कितना आ गया 15, फिर 7 का भाग लगाया, 7 दूनी 14 और 2 चौक 8, तो कितना हो गया ये 15 में से 8 गया तो कितना होता है 7, तो 7/14 क्या आया आंसर आपका 7/14। पर यार मेरे को 7/14 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि अभी तो ये आपका अनुपात बिल्कुल सही बना ही नहीं है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको कहीं ना कहीं 1/2 अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो आंसर क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसने बोला कि 4/7 में क्या जोड़ूँ कि 15/14 हो जाए, 15/14 कब हुआ, मैंने बोला ना 1 से 1/14 मैंने सोल्व किया, 14 एकम 14 और 1 15/14, तो 15/14 हो जाए। जब भी ऐसा जोड़ना करना हो ना, तो देखो पी नीचे की जो वैल्यू है, यानी कि नीचे इसमें 7 है और इसमें 14 है, अगर आप इसको इक्वल कर लेते हो, इक्वल कैसे करोगे आप, 14 को तो 7 बना नहीं सकते आप, 14 को 7 नहीं बना सकते, लेकिन 7 को 14 बना सकते हो, कैसे बना सकते हो कि भाई 2 का गुणा कर दो, 7 में अगर 2 का गुणा किया तो भाई ये ऊपर वाला 4 नाराज हो जाएगा, ये बोलेगा भाई इसमें गुणा कर रहे हो हमारे तो दिया ही नहीं, है ना, होता ना कि इसको दे दिया हमको दिया ही नहीं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 8/14 हो जाएगा। अब 8/14 में क्या जोड़ा जाएगा, 15/14 हो तो 14 14 तो इक्वल है, तो 8 में क्या जोड़े 7 जोड़े, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 7/14 जोड़ना पड़ेगा, है ना, ये समझ में आ रहा है, 8 और 7 और 15/14 चौदह चौदह ही है, 14 ही है, 8 7 है ना, 7/14 आ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और अच्छा सा कमेंट भी कर देना, है ना, आपको 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड कमेंट कर देना जिससे आपका वीडियो, है ना, अच्छा लगे मेरे को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 6 में, अभी तक 5 पार्ट हो गए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में, जिसने नहीं देखे हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन है उसमें भी हैं, तो वो चाहें तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम में इससे बेनिफिट मिले, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 6 में, है ना, कल मिलेंगे। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, भगवान आपका सिलेक्शन करवा दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।